तो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले यामा की MT-15 के बारे में, क्या कुछ इसमें स्पेसिफिकेशंस होने वाले, क्या कुछ इसके फीचर्स होने वाले, मतलब क्या कुछ सारी डिटेल सब कुछ बात करेंगे। कब लॉन्च होगी, क्या कुछ प्राइस होने वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन फिर भी इतने सारे कमेंट आ रहे, तो अभी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मतलब फुल सब कुछ डिटेल देने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरी देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के कुछ बॉडी चेंजेस के बारे में। तो क्या कुछ बॉडी चेंजेस होने वाले हैं, तो मैं बता दूं आपको, बॉडी चेंजेस कुछ नहीं होने वाले, सब कुछ सेम होने वाला है। हेडलाइट वगैरह सब कुछ सेम होने वाली, क्योंकि हेडलाइट चेंज कर दी तो फिर MT-15 मतलब फिर तो कोई लुक है ही नहीं बाइक का, क्योंकि मेन हेडलाइट ही है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो लुक वाइज बाइक सब कुछ सेम होने वाला है। तो बात करें यहाँ पे शोकर्स की, सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में शायद आपको USD की जगह हाइड्रोलिक मिल सकते हैं, जो कि आपके FG वर्जन 3 और R15 वर्जन 3 में मिलते हैं, वो शायद आपको मिल सकते हैं फ्रंट में, तो ये आपको पता होगा। तो मैं बात कर लेते हैं इसके इंजन वगैरह। तो इंजन बता दूं आपको, R15 वर्जन 3 वाला सेम रहने वाला है, वही पावर, वही टॉर्क, सब कुछ सेम रहने वाला है, तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं होने वाला। और उसकी बात करें ब्रेकिंग सिस्टम, तो ब्रेकिंग सिस्टम आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा, ड्यूअल चैनल ABS नहीं मिलने वाला, तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो ये भी आपको R15 में आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलता है, लेकिन आपको MT-15 में सिंगल चैनल ABS मिलेगा, क्योंकि यदि डबल ड्यूअल चैनल ABS कर दिया तो इसका प्राइस भी R15 से ज्यादा हो जाएगा, R15 से भी ज्यादा प्राइस हो जाएगा, तो इसलिए इसमें सिंगल चैनल ABS रखा गया है। तो बाकी देखते हैं लॉन्च होगी तब क्या होने वाला है। तो अभी बात कर लेते हैं इसकी लॉन्च डेट वगैरह के बारे में। तो लॉन्च डेट की बात करूं, उसमें लॉन्च डेट अभी तक बताई जा रही है, आपको भी पता होगा 15th मार्च इसकी लॉन्च डेट बताई जा रही है, 2019 15th मार्च। तो इसकी लॉन्च डेट 15 मार्च बताई जा रही है, जो कि बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में लॉन्च की जाएगी, वहां पे इसका इवेंट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, जो BIC मतलब बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है, वो एक ट्रैक है, मतलब कि दिल्ली में, मतलब ग्रेटर नोएडा में है एक ट्रैक है, वहां पे रेसिंग वगैरह चलती रहती है, तो वहां पे इसका इवेंट होने वाला है, तो वहां पे ही MT-15 को लॉन्च किया जाएगा। अभी तक जो न्यूज आ रही है वेबसाइट के अकॉर्डिंग, उसके बारे में बता रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो BIC में इसका लॉन्च इवेंट होने वाला है। तो अभी बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस होने वाला है इसका 1.20 लाख, जो कि एस्टीमेट प्राइस बताया जा रहा है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताया जा रहा, लेकिन इसके आसपास ही होने वाला प्राइस, इससे ज्यादा नहीं होगा। 1.20 से मतलब 1.25 तक लगा सकते हैं आप हाईएस्ट, इससे ज्यादा नहीं होने वाला, एक्स शोरूम प्राइस नहीं होने वाली इससे ज्यादा, मतलब 1.35 तक आपकी ऑन रोड बढ़ जाएगी बाइक। तो काफी अच्छी बाइक है, ले सकते हैं आप। बुकिंग चल रही है इसकी अभी भी शोरूम में काफी ज्यादा, मतलब जो बड़ी डीलरशिप है उनमें चल रही है इनकी बुकिंग, तो करा सकते हैं बुकिंग वगैरह। 5,000 या 10,000 रुपए इसकी बुकिंग फीस है, कहीं 5,000 कहीं पे 10,000, तो आप बुकिंग करा सकते हैं कहीं से भी, जो बड़ी डीलरशिप है आपकी सिटी में वहां से आप करवा सकते हैं बुकिंग। तो मार्च में इसका लॉन्च इवेंट है, तो मार्च में मतलब लॉन्च हो जाएगी, तो डिलीवरी आपको मिल जाएगी अप्रैल तक, इसकी डिलीवरी भी मिल जाएगी, क्योंकि यामा की डिलीवरी बहुत जल्दी मिलती है। FG वर्जन 3 का देख लो, लॉन्च इवेंट के 10-12 दिन बाद डिलीवरी मिलनी शुरू हो गई थी, मतलब डिलीवरी जिसने डिलीवरी पहले बुक नहीं करा रखी थी उसको भी डिलीवरी मिल गई थी। तो यामा मतलब जल्दी कर देता है, डिलीवरी वगैरह जल्दी मिल जाती है यामा के ग्राहकों को, तो जिसको भी लेनी है वो बुकिंग करा लेना, जल्दी मिल जाएगी, वरना बाद में आपको टाइम लग सकता है। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है वेबसाइट का, तो वहां पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगी। बस यही था कुछ आज की वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।